ठीक है, 6.1 का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग को सॉल्व करना है मीन एज्यूमिंग मेथड से। कल हम लोग पढ़ चुके थे डायरेक्ट मेथड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज्यूम मीन मेथड। जब भी पेपर में आएगा सॉल्व बाय एज्यूम मेथड, तो तुमको दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, बार डी सिग्मा एफ आई डी है, सिग्मा एफ आई मीन का मतलब क्या, बार एक्स है, और तुमने बार डी निकाल के छोड़ दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। मीन मतलब बार एक्स, तो बार एक्स भी आना चाहिए, और बाद में ये डालने के बाद इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का, ए प्लस बार डी। ठीक है, एज्यूमिंग मेथड में याद रखना कितना ग्रुप करना है, पांच। विलास सर ने कल बताया था डायरेक्ट मेथड में ग्रुप करने हैं चार, और एज्यूमिंग मेथड में ग्रुप करने हैं आज पांच। याद रखने का पांच ग्रुप, और ये भी विलास सर ने बोला था कि जो ऊपर आता है वो लास्ट में लिखना है, तो हम लोग को जल्दी याद हो जाता है। एक दो तीन चार पांच ग्रुप मैंने बना दिए हैं। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल लिया था। क्यों वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्यों तुमको समझे, एक ही क्वेश्चन का तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। तुम लोग तुम्हारा क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो बोर्ड में। एक क्वेश्चन को एक मेथड से सॉल्व किया, तुमको लग रहा है कि शायद गलत होगा नहीं होगा, तुम दूसरे मेथड से भी कर लो और दूसरे मेथड से भी सेम आया, समझने का तुम्हारा आंसर सही है, कोई भी गलत नहीं कर सकता। आके पप्पा को, मुझे, किसी भी टीचर को बोल सकते हो कि सर मुझे आउट ऑफ मार्क मिलेगा, क्योंकि मैंने वेरीफाई भी किया हुआ है। इसलिए उसी क्वेश्चन को मैं वापस ले रहा हूँ, 6.1 का पहला क्वेश्चन वापस ले रहा हूँ। उससे हमारा आंसर आया था 4.36, इससे भी आना चाहिए 4.36। ठीक है, तो ऊपर वाला मैं इधर लिख रहा हूँ एफ आई इंटू डी आई, हो गया। अब यहां पे आएगा डी आई, फिर आएगा तुम्हारा एफ आई, बोला ना मैंने, ये एफ आई इधर आएगा, डी आई इधर आएगा, और यहां पे एक्स आएगा। हो गया, आराम से याद होता है, तुमने लास्ट लिख दिया तो आराम से। और अभी नया है, डी आई मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, याद रखने का, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन टाइम फर्स्ट और थर्ड में लिखना है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। और यहाँ पे टोटल, ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट और थर्ड में ही डालना है हमेशा, डायरेक्ट मेथड में भी, जिसने वो वीडियो नहीं देखा देख लो, थर्ड में ही डालना है 7, 18, 12, 10, 3। दोनों का प्लस करके आधा ही करना है, 2 + 0, 2 का आधा 1, 4 और 2 = 6, 6 का आधा 3, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। सेम है, मतलब कल वाला मेथड ये वाला मेथड में तीनों में सेम है, चौथे में इंटू किया था, यहाँ पे थोड़ा अलग करना है। ए मतलब एज्यूम करना, अपने दिल में एज्यूम करना, मतलब अपने मन में मानना। तुमको इसमें से कोई भी एक नंबर एज्यूम लेना है, अपने आप को मानना है, चाहे एक ले सकते हो, तीन ले सकते हो, 5, 7, 9, कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुमको लेना है, अपने मन से एक नंबर लेने का। कि सबने अलग अलग लिया फिर भी आंसर, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब एज्यूम मीन है तो मैं बीच वाला ले लेता हूँ, 5, अपने मन से लेना है, तुम 3 भी ले सकते हो, तुम 7 भी ले सकते हो, मैं 5 ले रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5, ये एज्यूम मैंने किया। अब डी आई कैसे बनाना है, एक्स आई माइनस है मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ जानबूझ के समझने के लिए, इसमें से इसको माइनस करना है, सब में से 5 को माइनस करना है, जो भी तुम्हें, अगर 3 माना है तो सब में से 3 को माइनस करना है, अगर तुमने 9 लिया हुआ है तो सबको 9 से, सब में से 9 को माइनस करना है। तो 1 - 5 होता तो नहीं है, माइनस आएगा, 5 - -1 कितना हो जाएगा, 4, 3 - 5 होता तो नहीं है, माइनस, 5 - 3 - 2 आएगा, 5 - 5 - 0 होता है, 7 - 5 - 2 होता है, और 9 - 5 - 4 होता है। अंडरस्टूड, ये तुम्हारा डी आया गया, हो गया इजी। अब एफ आई इंटू डी आई, ये तुम्हारा एफ आई, ये तुम्हारा डी आई, 7 × 4 = 28, 8 × 2 = 36, 12 × 0 = 0, 10 × 2 = 20, 3 × 4 = 12। अब माइनस माइनस को प्लस कर दो एक बार, 64 हो जाएगा, और 20 + 12 कर दो, 32 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस को ऐड किया, प्लस प्लस को ऐड किया, अभी माइनस प्लस होता है माइनस,
आ जाएगा 32, और ये बड़ा इसलिए आएगा माइनस, ये आएगा तुम्हारा टोटल, इसका एफ आई का टोटल, इसका टोटल नहीं करना, एफ आई, एफ आई डी आई का टोटल और एफ आई का टोटल, ये तो 50 था हमारा, क्लियर। चलो अभी डिवाइड करते, फॉर्मूला डालते, 12D इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई सिग्मा एफ आई माइनस 32 अपॉन 50, डिवाइड करना है, 50 से 30 छोटा है इसलिए 0, 0 ले पॉइंट, 50 सिक्सा कितना हो गया 300, फिर 0 लिया 15 फोर जा 0.64, बार डी सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई माइनस 32 50, हमारा आंसर आ गया माइनस 0.64। अब बार एक्स, दूसरा फॉर्मूला, ए प्लस बार डी बार एक्स, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5, प्लस बार डी की वैल्यू कितनी आई माइनस 0.64, बार एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस करके बता रहा हूँ, 5 0.64 ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे आएगा 0 0, ये माइनस 6 3 4 4.36, सेम आंसर आया, डायरेक्ट मेथड से भी आया और एज्यूमिंग मेथड से भी सेम आंसर आया, वही लिखना है तुम लोग को लास्ट में, मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज 4.36 आवर्स, ठीक है। अब वापस तुम्हारा होमवर्क है पहले 5 क्वेश्चन को, वापस तुम्हारा होमवर्क है पहले 5 क्वेश्चन को एज्यूमिंग मेथड से करना है, एज्यूमिंग मेथड से पीछे का आंसर मैच करके देखना है, जैसे मैंने कल होमवर्क दिया था पहले 5 क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करना है, वैसे आज का होमवर्क है तुम्हारा कि पहले 5 क्वेश्चन तुम लोग को एज्यूमिंग मेथड से करना है, एज्यूमिंग मेथड से याद रखना, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, बोर्ड में सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही ज़्यादा करके आता है लेकिन तुम सबकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ओके, ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।